कश्मीर दिवस पर पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा है और इस बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पाक सेना ने एक साथ भारत के खिलाफ आग उगली है। नवाज ने बंटवारे का जिक्र करते हुए कश्मीर को भारत और पाकिस्तान विभाजन का अधूरा एजेंडा करार दिया है। वहीं पाकिस्तानी सेना ने भी कश्मीर की जनता के साथ एकजुटता दिखाने के लिए एक वीडियो और गीत को जारी किया है। ये गाना पाक सेना की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने सोशल मीडिया पर जारी किया है। यह गीत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मनाए जाने वाले कश्मीर दिवस के मौके पर जारी किया गया है। मालूम हो कि पाकिस्तान कश्मीर एजेंडे को हवा देने के लिए हर साल 5 फरवरी को कश्मीर दिवस का आयोजन करता है। पाकिस्तान के पीएम ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने और इसमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का रास्ता खोलने की कोशिश की है। शरीफ ने कहा कि कश्मीर विवाद का हल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव से ही मुमकिन हो सकती है। नवाज ने कहा कि कश्मीर विवाद के हल के बिना क्षेत्र में शांति और विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई प्रस्तावों की मदद से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कश्मीर के लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया हुआ है, लेकिन भारत ने पिछले 7 दशकों से कश्मीरियों को इस अधिकार से वंचित रखा हुआ है। वहीं पाकिस्तानी सेना द्वारा कश्मीर पर जारी किए गए गीत का शीर्षक संगबाज पत्थर फेंकने वाला है। इसमें भारत को कश्मीर छोड़ देने के लिए कहा गया है। वीडियो को देखकर लगता है कि इसके दृश्यों के फिल्मांकन के लिए कश्मीर के असली फुटेज का इस्तेमाल हुआ है। तो कश्मीर दिवस पर पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कश्मीर राग अलापा है, साथ ही पाकिस्तानी सेना ने कश्मीरियों का समर्थन पाने के लिए एक वीडियो भी जारी किया है। देखते रहिए डीबी लाइव।